हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे कुछ लॉज की एंड राइट्स की जो हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नई नई वीडियोज लाने के लिए। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं वीडियो की ओर। आईपीसी का सेक्शन 294 बताता है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को अगर वो ऑब्सीन एक्टिविटीज करता है किसी पब्लिक प्लेसेस पर, और इसके लिए उसे पनिशमेंट मिल सकती है, 3 मंथ की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या उसे फाइन लग सकता है या फिर दोनों। नेक्स्ट राइट है हमारे पास कोड ऑफ लीगल प्रोसेस 1973। ये बताता है कि लेडी कांस्टेबल ही लेडीज को अरेस्ट कर सकती है, मेल कांस्टेबल के पास अथॉरिटी नहीं है लेडीज को अरेस्ट करने की। लेडीज के पास राइट होता है कि वो डिनाई कर सकती है पुलिस स्टेशन में जाने के लिए आफ्टर 6 PM और अर्ली मॉर्निंग बिफोर 6 AM, एक्सेप्ट ग्रेव ऑफेंसेस में ऐसा नहीं होता। एज पर द सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन ऑयल कंपनी वेबसाइट, अगर फ्यूल सिलेंडर ब्लास्ट होता है ड्यूरिंग कुकिंग ऑफ मील्स, देन जो फ्यूल कंपनी है वो लाइबल होगी 50 लाख रुपीज देने के लिए एज अ कंपनसेशन टू द सफरर। और ये कब पॉसिबल होगा? जब FIR लॉन्च की जाएगी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाकर अगेंस्ट द फ्यूल कंपनी। हमारा जो नेक्स्ट राइट है वो है मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर। इसका सेक्शन 185 एंड 202 बताता है कि ऑन द टाइम ऑफ ड्राइविंग इन केस 100 ml ब्लड कंटेन मोर देन 30 mg ऑफ एल्कोहल, देन द पुलिस मे अरेस्ट यू विदाउट वारंट। मतलब कि अगर ड्राइविंग करते समय आपका जो 100 ml ब्लड है वो कंटेन करता है 30 mg अल्कोहल, देन पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट्स। आज हमने किए ये कुछ राइट्स जो हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू।